लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक नया अपडेट जारी किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की 11 में से 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने कैंडिडेट्स किए घोषित, बची 5 सीटों पर क्यों फंसा पेच। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें से छत्तीसगढ़ के 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा भी हुई। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 6 सीटों पर गुरुवार को बैठक के बाद सहमति बन गई। बताया जा रहा है कि 5 सीटों पर पेच फंसा है, लेकिन जल्द ही इसकी सूची भी जारी कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय 24 अकबर रोड में बैठक के बाद इस लिस्ट पर सहमति भी बनी। बताया जा रहा है कि AICC की इस बैठक में कोरबा से ज्योत्सना, लोकसभा सीट से महंत, महासमुंद से ताम्रधर साहू, जांजगीर चांपा से शिव कुमार डहरिया, रायपुर से विकास उपाध्याय, दुर्ग से राजेंद्र साहू और राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। जिन लोकसभा सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, उनमें बिलासपुर, कांकेर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सूत्र से मुताबिक अगले 1 से 2 दिन में फिर से इन 5 सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा और उसके बाद 5 सीटों की उम्मीदवार भी घोषित कर दिए जाएंगे। आखिर क्यों फंसा है उन 5 सीटों पर पेच, आइए जानते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, कांकेर, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ सीटों के लोकसभा उम्मीदवार अभी सामने नहीं आए हैं। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि बिलासपुर में पार्टी ने उम्मीदवार का नाम तय कर लिया, लेकिन अचानक वरिष्ठ नेता ने किसी और का नाम सामने रख दिया, जिसके कारण इस सीट पर सहमति नहीं बन पाई। बाकी 4 सीटों के भी यही हालात है। जिस पैनल से नाम तय किए जा रहे हैं, उनमें से एन वक्त पर एक और नेता का नाम सामने आ जा रहा है। ठीक इसी तरह प्रदेश कांग्रेस दीपक बैज को चुनाव में सभी 11 सीटों पर संगठनिक भूमिका भी निभाई जाएगी। वैसे बताया जा रहा है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव लड़वाने वाली भूमिका का चयन कर सकते हैं। दीपक बैज की बस्तर सीट से कवासी लखमा ने अपने पुत्र हरीश लखमा के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, जहां कांग्रेस के करीबी यह भी बता रहे हैं कि जल्द ही इन नाम पर सहमति बन जाएगी और उनकी घोषणा भी कर दी जाएगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो फौरन CG36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा।